Finally, we are on the 17th of the month and IPMAT पी 2024 is scheduled tomorrow. That is on the 18th of this month. It's a big day for a lot of you. I understand, लॉट ऑफ यू आई अंडरस्टैंड क्योंकि आप लोगों ने बहुत समय लगाकर इस एग्जाम के लिए इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करी है एंड अ लॉट ऑफ यू यू कम्पलीटेड यूर बोर्ड एंड उसके बाद आपने इस पेपर के लिए तैयारी करी है आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ई द वेरी एक्साइटेड और मे बी नर्वस शन so हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस लास्ट मिनट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं हम इस टाइम को कितना डीप ब्रेथ रिलैक्स इट्स ओके इट्स जस्ट अन डे कंसिडर कि आप एक और मॉक लिखने वाले हो इससे ज्यादा सीरियसली इसको मत लो नाउ आज के दिन कुछ भी रिविजन अगर आपको लगता है कि अब अब आप कर सकते हो मे बी वो कैब बिकॉज दे विल बी अ मेजर चंक ऑफ द पेपर इन द वोबेबिलिटी सेक्शन विल बी डेडिकेटेड टू द वोकेबलिटी सेक्शन या ग्रामर फॉर दैट मैटर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम कुछ रिविज़न तो कर सकते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट गो हैड कुछ बेसिक्स जो आपने पढ़े हैं उन्हें रिवाइज़ कर लीजिए मे बी कौनस में आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं गो हैड डू अ लिटल रिविजन उसके बाद मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे सब छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो रिलैक्स करो टेक अ डीप ब्रेथ इसके बाद अपना एडमिट कार्ड उठाइए मेक श्योर कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें क्लियरली रीड कीजिए उसमें अगर एक फोटो लगाना है साइन करना है थम प्रिंट लगाना है जो भी उसके रिक्वायरमेंट है एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें आपको सेंटर पे लेके जानी है वो आप रेडी कर लीजिए आज ही कल के लिए कुछ मत छोड़िए मेक श्योर दैट यू कलेक्ट कैलेक्ट दिंग पु दैम सेफली एट वन प्लेस एंड बी प्रिपेयर फॉर टुमारोज टेस्ट uh, उसमें इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ लीजिए आई डी प्रूफ जरूर लगता है उसको रख लीजिए एंड देन यूर ऑल सेट फॉर पेपर फाइनली कल जब आपका टेस्ट का टाइम है मेक श्योर दैट यू रीच द सेंटर ऑन टाइम अपनी सीट टाइम से ले लीजिए उसमें कुछ बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं जो आपसे करवाएंगे uh, कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं गाइड यू सारा कुछ इंस्ट्रक्शन आपको वहीं पर मिलेगा जस्ट कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन वो सब प्रोसेस खत्म होने के बाद अपनी सीट पे बैठिए एंड देन नाउ पेपर स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर दैट यू काम योर माइंड यू रिलैक्स योर माइंड एंड यू कैन टेक डीप ब्रेथ टू डू दैट आप सोचो कि मैम मेरा तो दिल जोर से धड़क रहा है आप बोल रहे हो रिलैक्स करो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेपर को बिल्कुल शांत दिमाग से काम माइंड से स्टार्ट करें जितना कामली आप पेपर को स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा पेपर को हैंडल कर पाएंगे वेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर जस्ट मेक श्योर सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं इन सब बेसिक्स का ध्यान रखिए एंड देन राइट योर पेपर पेपर में वर्बल एबिलिटी सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता मेक श्योर sure कि आप बहुत तेज़ नहीं भागें पेपर अगर इजी होता है तो भी अपने दिमाग को काम रखें एंड पेपर को काम माइंड से अटेम्प्ट करें Same goes for the other sections as well. And I'm sure you will be able to do justice to the entire thing and do well in the paper. Best wishes.